नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की कुछ सेंटेंसेस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, उस कुछ सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जैसे ब्रावो शब्द जब यूज होता है, शी शेयर्ड टू मी, ब्रावो, ये वर्ड जब इंटरजेक्शन सब यूज होता है, यू डिड वेल, दिस टाइप सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच एंड क्या चेंजेस होगा वो यहाँ देखना है। किस इंटरजेक्शन वर्ड का जो सेंस निकलेगा वो सेंस वहाँ शेड की जगह आएगा। पहले हम एक्सक्लेम्ड विथ सरोर, जॉय या विथ सरप्राइज टाइप वर्ड यूज करते थे, बट या इस टाइप का सेंटेंस जब आता है तो यहाँ आप एक्सक्लेम्ड वर्ड का प्रयोग न करते हुए आपको यहाँ लिखना है सी अप्लाउडेड या अप्रिशिएट या प्रेज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप प्रशंसा शब्द प्रेज्ड भी यूज कर सकते हो। सी प्रेज्ड मी दैट आई हैव डन वेल, दिस टाइप चेंज कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आप सी अप्लाउडेड, अप्लाउडेड मी सी अप्लाउडेड मी शेइंग दैट आई हैव डन वेल। डिफरेंट समझ गए होंगे, इसको तीन तरीके से बदला जाता है। शी अप्लाउडेड वर्ड के बाद यदि आप सीधा दैट कनेक्ट करोगे तो भी चल जाएगा, आई हैव डन वेल। डिफरेंट्स ध्यान दीजिएगा, यानी यहां एक नया वर्ड यूज हो रहा है ब्रेव। दिस इंटरजेक्शन वर्ड जब भी आई इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो आप सेड की जगह जो वर्ब यूज होगा प्रेस्ड वर्ब यूज कर सकते हो या अप्लाउडेड वर्ब यूज कर सकते हो। और इन दोनों में यूज करके अप्लाउडेड यूज करते हो तो एक सेइंग शब्द आगे जोड़ के और उसके बाद कनेक्ट वर्ड जोड़ के सेंटेंस को बदल सकते हो। यदि आप प्रेज्ड वर्ड लिखते हो तो सी प्रेज्ड मी दैट आई हैड डन वेल, ऐसा भी कर सकते हो। और थर्ड टाइम मैंने दिया सी अप्लाउडेड मी दैट आई हैड डन वेल, यानी तीनों ही सेंटेंसेस इस तरह से तीन प्रकार से आप बदल सकते हो। जो आपको उचित लगता है उसको आप रखिएगा अपने आंसर में, लेकिन ब्रेवो शब्द की जगह आप एक्सक्लेम विथ शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। इस प्रकार का आप एप्रिशिएट वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रशंसा शब्द जो होता है वेल इन का होता है, वेल यहाँ जो ब्रेवो शब्द करता है शाबाश, है ना, कुछ अच्छे काम के लिए आप उसकी एनकरेज करने के लिए उसको या उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी प्रशंसा कर सकते हो, अप्लाउडेड वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, उसको यूज करते हुए इस प्रकार से सेंटेंसेस को बदला जाता है। यस, आगे हम चलते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदला जाता है। ये तो थे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका कुछ अंश हम यहाँ पे सीखा है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जब भी आपको देखने को मिलता है तो आप किस प्रकार से इसको बदलते हो। एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद मैंने आपको हाउ वाला बताया था, उसको मैं यहाँ पे आपके समझ सकता हूँ। जैसे ही शेयर्ड टू मी या ही शेयर्ड how intelligent, how intelligent he is। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलता है
मैंने आपको एक डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे हाउ की जगह व्हाट भी यूज होता है और हाउ भी यूज होता है। पीछे विस्मय बोधक जो ये मार्क दिया होगा और यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सॉरी मैन वर्ब इज या आर या एम, कभी कभार ये हिडन रहता है और कभी कभार इसको शो भी किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस यदि आता है किस प्रकार से ये बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद। अब आपको इंटेलिजेंट ही इज हाउ वर्ड आता है और व्हाट आता है, जहां सरप्राइज का भाव आ रहा है तो आप एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हुए सरप्राइज कनेक्ट वर्ड दैट यूज करिएगा। अब आप ये हाउ शब्द को वापस नहीं लिखोगे क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो सेट की जगह आ गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, देखो इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज मैन वर्ब है। अब क्या करोगे, अब इस सब्जेक्ट को दैट के तुरंत बाद यूज करोगे। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर कोई होता आई हो वी हो तो होता सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और यदि यहाँ यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता, बट यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे ही का ही रखोगे। ही, अब इसको क्या करोगे, वॉज में बदलोगे, ही वॉज, और एक वेरी आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा उसके बाद एडजेक्टिव का, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। आई होप समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट है ना। इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलता है, आप कंफ्यूज ना हो, कॉम्प्लिकेटेड महसूस ना करें, या हाउस से बिगन हुआ है बट ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। यदि इंट्रोगेटिव होता तो उसमें परिवर्तन कुछ और होता जो हमने सीख लिया था पिछले वाले वीडियो में। ये इंटरजेक्ट यहाँ पे हाउ और ये विस्मयबोधक चिन्ह दिया हुआ है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस जब आपको देखने को मिलते हैं और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो आप ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज करके आगे की प्रोसेस वही रखोगे जो इसमें उचित दिया हुआ है। ओके, दैट के बाद आगे टेंस चेंज करना है, अक्षर आपको प्रेजेंट दिया होगा और पास्ट में बदलना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपने समझा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं। अब हम सीखेंगे ऑपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। पांच प्रकार के सेंटेंस मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बदलते हैं इसको सीखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस प्रकार से ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है या इस सेंटेंस की प्रकृति क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या भाव आते हैं या सेंस क्या आते हैं। देखो इसमें ब्लेश, कर्स, विश, ये इसके स्पेशली भाव रहते हैं, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में प्लेस, कर्स, विश या अदर शब्द को जोड़ा जाए तो प्रे भी होता है, है ना, पी आर ए वाई, प्रे भी होता है, है ना, ये शब्द जोड़ा जाता है। अब इसके बाद कनेक्ट वर्ड दैट यूज होगा, ये सेट की जगह यूज होते हैं, पास्ट में है तो ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड एंड प्रेड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस की प्रकृति क्या होगी उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से सीखते हैं। शी शेड मी यू गेट सक्सेस, He shared, God bless you। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस आपके समक्ष है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसके अंदर ऐसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद, अभिशाप या शुभकामनाओं का भाव हो, ब्लेश, कर्ष, विश का जो सेंस देने वाला वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस कैसा होगा उसका एक एग्जांपल के माध्यम दिया, मे यू गेट सक्सेस, यानी मूल वर्ब मे से बिगन होगा और विस्मय बोधक चिन्ह दिया होगा पीछे, और इस प्रकार का सेंटेंस जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलता है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में दिया जाता है तो किस प्रकार से बदलोगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपने यहाँ यूज करने वाला वर्ड सी,
अब आप देखिएगा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यहाँ जो यूज हो रहा है, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, क्या यहाँ पे जो शब्द जिसके लिए जो भावना है, क्या वो अभिशाप की है या आशीर्वाद की है या अच्छे विचार की है, शुभकामनाएं की है? तो यहाँ पे आपको देखो, मे यू गेट सक्सेस, सफल हो, इसका आपसे भगवान से प्रार्थना की गई है। तो शी शेड की जगह आप चाहो तो प्रेड भी यूज कर सकते हो, शी प्रेड, या फिर आप ब्लेस्ड भी यूज कर सकते हो, या आप विश्ड, डिस्ट्रेंट, जो आप चाहो। तीनों ही उपयुक्त है, तीनों ही उचित शब्द है इस सेंटेंस के लिए, है ना। सफल हो, इसमें देखो आपसे हम शुभकामना विश किया गया है, आशीर्वाद भी दिया है, प्रेड भी किए थे। तीनों वर्ड अपने आप में उचित है, आप चाहो इसका एक का यूज करो। और यदि एग्जाम में पेपर में एक ये वर्ड इनमें से एक वर्ड दिया गया है तो अच्छा है, अन्यथा आप उनमें से कोई भी एक वर्ड यूज करिएगा, क्योंकि तीनों में यहाँ पे देखो ऐसा सेंसेस निकलता है कि हो सके शी है वो उसकी मदर है, या कोई से उसका पेरेंट्स है, या अगर कोई टीचर है तो उसको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। और विश के मामले में यहाँ पे शी कौन है ये तो हम क्लियर नहीं कर पाते, फ्रेंड है या उसका और भी रिलेटिव है कोई, है ना, तो वो प्रार्थना भी कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि एक वर्ड रख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही उचित है और तीनों ही उपयुक्त है। तीनों में मैं आप जज करके कोई भी वर्ड रखिएगा और आपका आंसर सही होगा। सी प्रेड रखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं कि तीनों लिखकर आप ऑब्लिक करके लिखो, ये नहीं करना, आपको एक वर्ड यूज लेना है इसमें। सी प्रेड लिखो या सी ब्लेस्ड लिखो या सी विश्ड लिखो, ओके, क्योंकि इनका अच्छे गुड सेंस आ रहा है इसलिए आप ये रखोगे। उसके बाद कनेक्ट वर्ड यूज करिएगा दैट, ठीक है ना, सी प्रेड दैट या सी ब्लेस्ड दैट, सी विश्ड दैट। अब क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या करोगे, मे यू गेट सक्सेस, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, शी प्रे या ब्लेश या विश दैट। अब इसको यू को आगे लोगे क्योंकि ये मोडल वर्ड है और ये सब्जेक्ट इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो कोई भी काल्पनिक ऑब्जेक्ट ले लो और यहाँ पे शो कर सकते हो, सी प्रे प्लेस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको काल्पनिक शो करना पड़ेगा, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे मी, she praised me, she blessed me, she wished me that I might, may का क्या हो जाएगा might, और get verb की first form get success। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस सेंटेंस को बदला जाता है। दोबारा देखिएगा अगले एक और सेंटेंस दिया गया है, she said God bless you। अब यहाँ पे मे है जो दिया हुआ नहीं है, कई बार इस प्रकार का वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन हमें पता है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश ने बोधक फले दिया हुआ, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो विश का निकल रहा है या ब्लेश का निकल रहा है। चलिए इसको बदलते हैं, ही विश्ड हर, या मैं थर्ड पर्सन यू ले रहा हूँ हर, क्योंकि यू को बदलना पड़ेगा इसलिए अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ही विश्ड हर दैट। अब ध्यान दीजिएगा गॉड को आगे लाइए, क्योंकि गॉड सब्जेक्ट है, गॉड सब्जेक्ट है, यहाँ पे मे वर्ड जो मॉडल यूज होना था वो यहाँ पे हिडन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गॉड को आगे रखिएगा, गोल्ड लिखा है सर, गॉड, सी सेड गॉड, दैट इज नॉट गोल्ड, गॉड, सी सेड गॉड ब्लेस यू, एरर को ठीक करना, जी ओ डी गॉड, सी सेड गॉड ब्लेस यू, ही विश्ड हर दैट God, he wished her that God। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है मिस जो हिडन है उसको मे होगा उसको अपन माइट में लिख देते हैं, माइट, ब्लेश मोल्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी चाहे टेंस कोई भी हो, दैट गॉड माइट ब्लेश। अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट बट यूज भी ऑब्जेक्टिव केस होगा क्योंकि ब्लेस वर्ब है, इसके बाद में आने वाला शब्द वापस ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो यहाँ पे यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हर और हर ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे रिटर्न लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, यहाँ पे सेंटेंस में गोल लिखा गया था उसको अपने सुधार किया, यहाँ पे गॉड होना है और ही सेड गॉड ब्लेस यू, और इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे ही विश्ड हर दैट गॉड माइट ब्लेस यू। इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने दो आपके समक्ष रखे जिसमें ब्लेश और विश का भाव था या प्रे का भाव था, जो अपने जो समझा लिखा
यानी कि इन्वर्टेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस उसकी मीनिंग क्या निकलती है, क्या सेंस दे रहा है। यदि कर्ष का आता है तो कर्ष्ट कर दो, है ना। बाकी आपको यहाँ इस टाइप के सेंटेंसेस और भी देखने को मिलेंगे, उसको किस प्रकार से बदलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो शेड की जगह ब्लेश, कर्ष, वेस्ट, प्रेड का प्रयोग करते हुए आप बदलोगे। इसको हम समझ गए अच्छे तरीके से, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको बदलते हैं और आगे हम सीखते हैं। अगला जो सेंटेंस है कि ब्लेश के शिवाय और ऑपरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, यदि कर्ष का आता तो कैसे होगा। अ सेंट शेड टू हिम, अ सेंट शेड टू हिम मे यू गो टू है He sent to me good morning. She sent to Rani ma'am. Goodbye. Good bye. Yeah, good. एक वर्ड और लेते हैं, गुड बाय भी ले लेते हो, हैप्पी मैं आ गया हूँ, हैप्पी दीपावली। इस टाइप के सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलते हैं, बाय बाय आता है, गुड बाय आता है, गुड मॉर्निंग आता है, गुड नाइट वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। सी अशेंट सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, है ना। इस सेंटेंस में अशेंट ने, एक साधु ने उसे कहा मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ। इट मीन्स यहाँ पे जो मीनिंग निकल रही है सेंटेंस की वो अभिशाप है। अभिशाप के लिए अपन यूज करेंगे अशेंट curse, a saint cursed him that you were him and he might go to hell. क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोबारा, a saint cursed him that he might go to hell, यानी कि said की जगह जो यूज होने वाला शब्द है ना, यूज होने वाला वर्ड है जो यहाँ कर्ष्ट की मीनिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो सेंस निकल रहा है सेंटेंस के अंदर वो अभिशाप का है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर्ष्ट यूज करोगे। यदि अच्छी विचार होते, शुभ जो शुभकामनाएं होती, तो उस वर्ड जगह हम या ब्लेस्ड यूज करते, या बेस्ट यूज करते, या प्रे करते। अगला सेंटेंस देखो, ये थोड़ा अलग हटके सेंटेंस दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग टाइप सेंटेंस आता है तो क्या करना है। ही, तो आप यहाँ देखोगे ही, गुड मॉर्निंग की जगह आप विश्ड भी यूज करते हैं। ही विश्ड, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, आप चाहो तो इसकी जगह बैड यूज कर सकते हो, है ना, विद बैड, बैड वर्ड भी यूज कर सकते हो, बट विश्ड भी करोगे चलोगे। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग मी, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के सेंटेंस यदि आपके सामने आता है तो क्या करोगे, सेड को आप गुड मॉर्निंग की जगह विश्ड, गुड मॉर्निंग वाले सेंटेंस में विश्ड कर दीजिएगा। ऑब्जेक्ट जो, उसको ऑब्जेक्ट को रखिएगा और कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करोगे, यहाँ पे कनेक्ट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस वर्ड को यूज करिएगा, He wished me good morning, या फिर he wished good morning me, है ना। परिवर्तन क्या हो सकते हैं, प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं, बट कनेक्ट वर्ड का किसी भी प्रकार का यहाँ पे यूज नहीं करना है, जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे अनावश्यक वर्ड है दैट, इसलिए आप यहाँ पे जरूरत नहीं है, सीधा आप सेंटेंस को यूज करोगे। अगला सेंटेंस दिया हुआ, she said to रानी मैम
हैप्पी दिवाली, तो इस प्रकार से हो जाएगा सी विश्ड, है ना, अच्छी किसी ओकेजन के लिए हम विश्ड यूज करते हैं, सी विश्ड रानी मैम, सी विश्ड रानी मैम हैप्पी दिवाली। आर्टिकल ए का यूज करते हुए इस प्रकार से सेंटेंस को बदलोगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपके टू सेंटेंस आप समझ गए होंगे, है ना, ये इस टाइप की सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इस प्रकार से बदलते हो, या गुड मॉर्निंग का सेंटेंस आता है, थैंक यू वर्ड यूज आ सकता है, बाय बाय आ सकता है, इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप विथ दिस टाइप सेंटेंस को शेड की जगह वर्ड यूज लेते हुए प्रे बैड फॉर बैड जिसमें अपने पहले सीखा था उस प्रकार से यूज करते हुए, कर्स्ट यूज करते हुए, विश्ड यूज करते हुए, प्रेड यूज करते हुए, है ना, कॉन्क्रीट वर्ड यूज करते हुए, है ना, इस प्रकार से आप यूज करते हुए सेंटेंस बदलते हैं। एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और लेते हैं, ऑप्टेटिव में और भी कुछ सेंटेंसेज आते हैं जहाँ बच्चे पजल्ड होते हैं। अगला सेंटेंस है जिसमें थैंक यू शब्द आता है कई बार, जैसे रोशन शेड, रोशन शेड टू रोहन, थैंक यू, शी शेड टू मी थैंक यू। थोड़ा सीखने वाली बात यहाँ पे है कि क्या सीखोगे आप, ध्यान दीजिएगा, रोशन शेड टू रोहन, तो रोशन, अब यहाँ पे शेड को अलग किसी वर्ब का प्रयोग नहीं करना, या थैंक को वर्ब बनाना है, क्या करोगे, थैंक को वर्ब बनाओगे तो हो जाएगा थैंक रोहन, है ना। अब आपको इसे यू कहाँ चलाएगा, तो यू जाएगा रोहन में, है ना, थैंक यू वर्ब बन जाएगा। इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से देखना कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। आप में से कई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि रोहन कहाँ गया और यू कैसे बदला। देखिए यू चेंज होता है रोहन के अनुसार, तो बार बार रोहन वर्ड यूज नहीं होता है, तो यार रोशन थैंक्ड रोहन अपने आप में पूरा हो गया सेंटेंस, मीनिंग निकल गई है ना, रोशन सेड टू रोहन थैंक यू, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो रोशन थैंक्ड रोहन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, सी सेड टू मी थैंक यू वर्ड दिया हुआ है, तो सी थैंक को यूज लेना वर्ड के रूप में थैंक्ड। अब आपको पता है यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी रखोगे सीधा, है ना, सी थैंक्ड मी, उसका जिक्र यू का यहाँ हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इस प्रकार से आप इसको बदलोगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से ऑपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है और क्या क्या परिवर्तन होता है, तो आपने भली भांति देखा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस के माध्यम से सीखोगे। अगली वीडियो में हम आपके समक्ष पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको विधिवत रूप से तमाम एक्सरसाइज करवाई जाएगी वन बाई वन चैप्टर की, उसके बाद आपका कॉमन एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपके टेंसेस पैसिव और नरेशन का एक साथ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन सी में पूछे जाने वाला ग्रामर पोर्शन में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको हम सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।